फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। और फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फ्रेश व्लॉग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फ्रेंड्स, आज हम देवी पिंडी जा रहे हैं और मैं जल्दी यहां से निकलता हूं और फ्रेंड्स के पास चलता हूं। और वहाँ के जो भी रास्ते में होगा आपको बताऊँगा। और पूरी जो भी है पैदल ट्रैक से जाएंगे हम, जो भी रास्ते में जैसा भी होगा तो आपको सब बताऊँगा। फाइनली ये आ चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं। आगे जो भी होता तो आपको बताता हूँ। और जल्दी से निकलते हैं यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और चलते हैं यहाँ से। और अभी मिगेशु ने अंडरवियर लेना, ये तो कभी लगाता नहीं है, मजबूरी में इसको आई लेना पड़ेगा। और देखते हैं कोई शॉप तो वहाँ से ये अंडरवियर लेगा और फिर निकलते हैं आगे। शॉप आने वाली और बताते हैं आपको। फिर वाली शॉप भी आ गई सामने, जल्दी जाओ लेके आ। चल सा देवी पिंडी सामने हो, सामने तो सामने नहीं आसो है। वो वीडियो तो सारी वायरल हो गई है कसम नाल, वो वीडियो वायरल हो गई है। वो टिकटॉकर बनाई पता कदू वाला लॉकडाउन च, लॉकडाउन ही बनाई और लॉकडाउन च वो जी टिकटॉकर बनाई ही वो पग बनना है। हाँ आगो आगो उसे तो समान लगा दे हमारा, क्या बात है। आओ चलिए देवी पिंडी, चलो ठीक है। अच्छा ये ले लिया इसने अंडरवेयर और निकलते हैं यहाँ से। गर्मी इतनी है कि आपको क्या बताऊं, जिस साइड जाओ गर्मी ही गर्मी है। और मैं श्रीनगर गया हुआ था, वहां पे यार दिन को भी जैकेट लगा के लोग घूम रहे थे, इतनी सर्दी थी दिन को 12 बजे भी। और यहाँ पर अभी इधर से पेट्रोल पंप पर रुके थे, पेट्रोल डलवा लिया और इधर से निकल रहे हैं। अभी पैंथल पहुँचने वाले हैं, तो अभी मैंने किसी को कॉल करके पूछा, देखते हैं गाड़ी ऊपर ही लेके जाएंगे। बोल रहा था वो कि ऊपर से पास पड़ता है देवी पिंडी, तो अभी जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक गाड़ी लेके जाएंगे, तो उसके बाद पैदल ही ट्रैकिंग करेंगे। तो पैदल कितना चलता है, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, देखते हैं। और आपको भी बीमार हो गया हूँ, अभी मेडिकल की शॉप पे भी रुका था, वहाँ से नॉर्फ्लेक्स ली। और क्यों ली वो भी बताना, क्या हुआ था, क्या हुआ था तू बता दे क्या हुआ। कल हम घूमने गए थे, तीन बंदों ने एक मुर्गा खाया और इस बंदे ने अकेले एक मुर्गा खाया। और एक मुर्गे से क्या होता है, क्यों नहीं होता है, एक अकेला बंदा खाएगा ऊपर से गर्मी है, होगा नहीं तो क्या होगा। तो मुर्गे से हो गया, मुर्गे से बीमार हो गया मैं। मुर्गा ताकत वाली चीज़ होती है, उससे थोड़ी बंदा बीमार होता है। गर्मियों में नहीं ना बचता है कि किसी किसी को बच जाता है, किसी को नहीं बचता है। हम बेवकूफ हैं जिन्होंने तीन। चलो ठीक है भाई, ठीक ठीक। पैंथल पहुंच गए हम और यहाँ से ना कच्चा रोड स्टार्ट हो जाता है देवी पिंडी के लिए। या इधर से जब आप मेन पैंथल चौक में पहुंचोगे तो पैंथल चौक के सामने से सीधा एक कच्चा रोड ऊपर जाता है, वो देवी पिंडी वाली साइड ही जाता है। आप रोड के देख लोगे जब यार, आप पहचान ही जाओगे। अगर आपने मेरे व्लॉग में रोड देखा होगा ना, आप पहचान जाओगे यही रोड है। देखो कितनी अच्छी रोड है ये, स्मार्ट सिटी देखो। और रोड का तो बहुत बुरा हाल है, बट जाना तो है, तो चलते हैं आगे भी बताते हैं आपको। आम भी चुराएंगे अभी, आम कहाँ से चुराएगा आम, वो देखना आगे पेड़ मुझे दिख रहे हैं। तुझे कहाँ दिख रहे हैं, आगे आम के पेड़ आने वाले हैं, मुझे अच्छा बताएगा। तुझे सारा चोरी की तरफ ही ध्यान रहेगा। आम खाएंगे, आम खाएंगे नहीं, जैसे तू बचपन में चुराता था ना, अभी तुझे मैं नहीं चुराता हूँ, मैंने नहीं कभी चुराया आम। तुझे पता चलेगा कैसे बताते हैं। हाँ तो चलते हैं यार, बताते हैं फिर आपको आगे क्या होता है। और बुरा हाल है रोड का, उसी रोड का थोड़ा ऊपर आगे कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। यार आपकी लड़ाई नहीं होती, जा तू जाना एक घंटे जाओ, एक घंटे कैसी है तू। तीन में पहले क्या किया, फोन करती मार जी बिल पास होना, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए तो आते हैं। आते हो, थोड़ी कच्ची रोड है और मतलब इंसान तंग पड़ता है। थोड़ा ऊपर आके ना तो बड़ा मस्त व्यू है, देखो इस साइड भी ऐसे हरियाली हरियाली इस साइड। और मुझे यार ऐसी जगह ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब जिस तरह इधर हरियाली इधर ली। यार यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है सामने, और यहाँ से ना पैदल वाला ट्रैक है ये सामने, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है देवी पिंडी ट्रैक स्टार्ट यहाँ से। और अभी यहाँ से जाएंगे और यार काफ़ी लोग आए हुए हैं ये देखो यहाँ पे, और संडे को तो और ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके आराम से आप
और यहाँ से ना जो ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखो, और इस तरह का रास्ता है। और यार देखो इतनी गर्मी है आगे पीछे, और यहाँ ये पेड़ किस चीज़ का है? आम का पेड़ है ना ये? हाँ आम का पेड़ है ये, और इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। इस साइड देखो, ये वाला पेड़ देखो, इतना बड़ा पेड़ है। और हमने इस साइड जाना, सामने आ गए। वो यार कहीं आगे निकल के काफ़ी, क्योंकि यहाँ पीछे कब्रिस्तान था और मैं वहाँ पे खड़ा होके फातिहा पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसकी कब्र भी थी, और मुझे वहाँ पे 10 मिनट लग गए और वो कहीं आगे निकल गए। गाड़ी पार कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का जो रास्ता है ट्रैकिंग के लिए मिलेगा, और अच्छा है चलने के लिए, इतना ख़राब भी रास्ता नहीं है। मैं पीछे खड़ा हो गया था तो यहाँ आके पकड़ा इनको, काफ़ी आगे निकल रहे थे। और ये जो पानी आप देख रहे हो नीचे, ये जो नहर जा रही है, ये भी शायद देवीपिंडी से ही आती है, उधर से ही आता है ये पानी, और काफ़ी ठंडा पानी है। कुछ ऐसा व्यू मिलेगा अभी कुछ दिनों में। ये जो सामने पहाड़ आपको सामने वाले नज़र आ रहे हैं, इन पर आग लगी हुई थी, ये आपको अभी भी ब्लैक ब्लैक थोड़े दिख रहे होंगे, पूरे जल गए थे, लेकिन बारिश हुई उसके बाद ये हरियाली में दोबारा घास वगैरह होना स्टार्ट हो गया, और ये सामने से ये रास्ता आगे गया, इधर से हमको उधर आगे तक जाना है, और पहली बार जा रहा हूँ, देखता हूँ आगे कितना दूर है। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया और थक गया हूँ मैं कसम से। ये देखो इतना ठंडा पानी है, और उसमें क्रेट में आपको स्टिंग वगैरह और कोल्ड ड्रिंक, पानी कुछ भी चाहिए होगा। रास्ते में आते यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सामान लगा के रखा होता है, और अगर आपको आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, चिप्स कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी लेना हो, तो आपको आराम से मिल सकता है यहाँ पर। ये छोटी बच्ची है, इन्हें इधर रास्ते में आपको मिल जाएगा, ये ट्रैक के ऊपर ना इन्होंने रास्ते में लगा के बैठे होते हैं, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ट्रैक के ऊपर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी तो वो आराम से मिल सकती है। बहुत बढ़िया फील है, इधर मुड़ के बोलो ना, इधर इधर ऑन कैमरा बोलो ना। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, हर साइड का बहुत मस्त व्यू है यार। इधर आग लगी हुई थी, ये देखो, ये पूरे जंगल में इधर किसी ने आग लगाई थी, खुद लगी या किसी ने लगाई, देखो पेड़ सारे जल गए हुए थे, बाकी फिर भी बारिश की हुई तो उसके बाद हरियाली, अभी थोड़ा घास वगैरह आ रहा है, पेड़ों पर पत्ते वगैरह आ रहे हैं, बट बहुत मस्त व्यू है। बट ये आप देख रहे हो कितनी धूप है यार, धूप में भी यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं महसूस हो रही, चलने के बाद भी मतलब ठंडी हवा आ रही है, पेड़ों पे पत्ते भी नहीं है, लेकिन इतना है कि ठंडी हवा आ रही है। वहाँ पर रुक गया था कोल्ड ड्रिंक और वो स्टिंग और वो चिप्स वगैरह लेने के लिए, और इस ट्रैक पे आपको कुछ भी चाहिए तो वो मिल जाएगा, खड़े होते हैं आगे। किसका मज़ा है अपना, पानी से निकाल के ठंडी करती है, पहाड़ के नीचे से उधर से नहर आती है, नीचे निकलती है, ये देखो इधर से, और इधर से आगे बाहर निकलता है कुछ इस तरह का रास्ता। सामने देखो कितना खतरनाक रास्ता है, चलते चलते सीने से बुरा हाल हो गया है, काफी चल के आ गए और भी आधा रास्ता बाकी है। उस साइड से आए हैं, वो नीचे मेन हाईवे होगी है जो आप देख रहे हो, और इधर ये सब इधर बार इधर लोग रहते हैं, और नीचे भी ये देखो इधर ये सामने जो घर दिख रहे हैं आपको, और ये ऊपर से हम आए, इस साइड से हम आए, और अभी इस साइड जाना है। फिर ये अपने कच्छे वगैरह चेंज करना स्टार्ट कर गए, ये देखो मैं काफ़ी आगे चला गया था उधर से, फिर वापस मैंने सोचा पता नहीं कहाँ चले गए, ये देखो ये इधर ही रास्ते में ही अपने कच्छे खुच्छे चेंज करने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, ये देखो। भाई क्या कर रहा था? कुछ नहीं भाई। ओए तूने भी चेंज कर दिया, ऐसा रास्ता है ये वहाँ तक, और ये पानी भी उधर से ही आ रहा है जो नहर में आ रहा है, ऐसा रास्ता है। सामने से देखो ऊपर चढ़ के जाना है, कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ से, इधर से ये देखो
हॉस्पिटल वाला रास्ता ना, ये ट्रैकिंग वाला रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये देखो 3.5 किलोमीटर है, ऊपर से नीचे देखो 3.5 होगा यार, देखो ऊपर से ज़्यादा ही है, 4 किलोमीटर। हाँ साहब बोल रहे हैं बारिश में नहीं आने का, यहाँ पर किसका खतरा है? स्लाइडिंग का। हाँ आप समझ गए हो ना सारे, पहाड़ देखो ऊपर कितने बड़े बड़े पहाड़, तो ध्यान से ये देखो इधर से नीचे देखो और ये देखो, ये देखो ये इधर से ये सामने से इधर से रास्ता आगे गया, ये देखो मुझे तो डर लग रहा है भाई। फिर आपको आगे ट्रैकिंग करते करते रास्ते में फिर आपको खाने पीने की कोई चीज़ होगी, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं पीछे भी, उधर भी थे ये देखो, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी यहाँ पर सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंश सिंह अच्छा कहाँ पर रहते हो? अच्छा इधर ऊपर, अच्छा वो सामने जो घर है वो सामने, इसका ऊपर घर है वो जो दिख रहा है, और नीचे से नहर जा रही है। ये पानी भी देवी पिंडी से आता है ना, इधर से देवी पिंडी कितने आगे गए? आधा घंटा और लगेगा। इधर से कितने किलोमीटर आगे? हाँ आधा किलोमीटर, और यहाँ से ये बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर है, और यार कम से कम हम दो तीन किलोमीटर तो चल रहे हैं। पूरा कितना किलोमीटर है छोटू? ये 5 किलोमीटर। हाँ तेरे तूने सही बोला था कि 5 किलोमीटर होगा ये, और ये टोटल जो ट्रैक है पैदल चलने वाला ये 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन हाँ सही बात है, गर्मी नहीं लगेगी आपको यार, धूप हाँ धूप है लेकिन गर्मी नहीं लगेगी। और देखो इधर से इधर से इधर से ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है, और सारे में आग लगी हुई थी, पूरी पूरा जल गया हुआ था। अभी तो पेड़ वगैरह जो उनके ऊपर पत्ते वगैरह आ गए हैं, और अभी भी हमें और पीछे जाना है इस साइड, सामने इस साइड से। एक पीछे बताया था आपको मैं, और ये देखो ये देखो ये देखो ये यहाँ पे चेंज कर रहा है, ओ उधर ही कर लें था मजा, इसको बोल रहा गर्मी बहुत लग रही है तभी का। अभी ये यही लगा के जाएगा। तो हम पहुंच ही आए हैं सामने, आपको दिख रहा होगा ये उंगली सामने देखो, तो पास ही रह गया यहाँ से, आधा किलोमीटर होगा, आधा किलोमीटर ही होगा यहाँ से। काफ़ी खतरनाक रास्ता, मैं पीछे आपको बता रहा था कि अच्छा रास्ता, वो थोड़ी देर मतलब थोड़ा चल के ऊपर तक है, बाकी आगे ना बड़ा खतरनाक रास्ता, ये नीचे देखो इस साइड और सामने सामने इस तरह रास्ता जाता है, काफ़ी खतरनाक रास्ता है। पूरा रास्ता मैंने आपको बताया है, इतना खतरनाक रास्ता है यार, यहाँ से सीधा आगे वो उधर जाना, और नीचे देखो इधर कितनी बड़ी खाई है नीचे, ये साइड पे देखो सामने आगे। वो कितनी अच्छी मूवी थी जिसमें वो बोलता है इस तरह लड़ता है, इसी तरह इधर पाइप लगी हुई थी, मुझे वो याद आ गई। राम 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 क्या राम 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 राम। आपको जगह जगह मिल जाएगा स्टॉल लगे हुए, उसके चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक हर जगह आपको मिलेगी, छोटे छोटे बच्चों ने लगा के बैठे होते हैं रास्ते में, और मुकेशू ने भी लिया इधर से चिप्स। खतरनाक रास्ता है, और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था मेला फिल्म या शायद, राम 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 राम, जैसे भी पार उसी तरह पाइप लगी हुई है सेम वैसे ही है। ये देखो नीचे कितनी खाई है और पाइप लगी हुई है बीच में, और देखो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक लेके आपकी सेवा के लिए, चिप्स लेके। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आरिफ मोहम्मद, तेरा सुल्तान खान, सुल्तान भाई, ये अपने सुल्तान भाई, ये आरफ मोहम्मद आरफ, हाँ मोरिन में ये लगाया हुआ है। देखो छोटे छोटे बच्चों ने, आपको हर चीज़ मिलेगी रास्ते में। इस साइड से आपने जाना है, अभी भी आधा किलोमीटर में आपको बता रहा था यार, ये काफ़ी है, ये कम से कम भी 6-7 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ से ये सामने रास्ता गया और इधर से, और वो सामने पार आपको लोग दिख रहे हो जाते, वो देखो सामने, और इससे भी आगे जाना है। इधर एक लड़की मिली थी, उसने आशु को और मुकेशु को डायल दे दी, मुकेशु ने पूछा बोला कितना टाइम लगेगा, बोलते हैं हमारे लिए 15-20 मिनट और आपके लिए आधा घंटा, और ये आप बोल रहा है मैं पूरे 10 मिनट लगाने, देखो क्या कर रहा है, देखो चल कैसे रहा मैं, देखो बोलता डायल दे दी मुझे। इस जगह का सही नाम ये है, आहो उच्चा बोलो थोड़ा, किस जगह का नाम है? कोड़ा नाला देवी पिंडी। इत्थू देवी पिंडी अगर चाचा कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। इत्थू भी अगर 1.5 किलोमीटर, ये पूरा जितना गड्डी लग रही उत्थू ये पूरा ट्रैक कितना है? 2.5 किलोमीटर। उत्थू इत्थे तक 2.5 किलोमीटर है? ये जिहड़ा पैदल ट्रैक होंदा ये 2.5 किलोमीटर है? पर ये ते बड़ा ज्यादा लंबा दा है, जिथे कब्रस्तान है
6 किलोमीटर है जितो असा लाई गड्डी जिथे इथे उपर गड्डी लगदी उथो 2.5 किलोमीटर है। चलो ठीक है, के नाम है चाचा तुंदा? जहाँ हमने गाड़ी लगाई है वहां से 6 किलोमीटर का पूरा पैदल ट्रैक है जो हम कर रहे हैं। फाइनली उससे थोड़े पीछे पहुंचे यार, अभी भी आ गया काफी, तो मूड बन गया मैगी खाने का। और यहाँ पे देखो इन्होंने चेयर वगैरह लगा के आपको और 6 किलोमीटर लेके आ गया, तो अभी यहाँ पे मैगी वगैरह खाएंगे। और देखो इन्होंने चेयर वगैरह रास्ते में लगा के, और बिल्कुल इसी तरह मतलब शार्प नहीं है, ऐसे तरपाल लगाया ऊपर और नीचे लगा के पूरा सिस्टम बनाया हुआ है यार। आपको सब कुछ रास्ते में मिलेगा क्योंकि ये 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो पैदल है। और देखते हैं आगे चल के, आप निकल तो आए हैं यार, देखते हैं कैसा रहता है आगे। छोटे ने बहुत बढ़िया मैगी बना के खिलवाई, और ये कोई 15 मिनट यहाँ से लगते हैं जहाँ पर मंदिर से कोई 15-20 मिनट यहाँ से आगे लगते हैं। और ये आपको रास्ते में ही मिलेंगे मैगी वगैरह या कुछ भी चाहिए, यहाँ से आपको अच्छी मैगी बना के देंगे, सब चीज़ मिलेगी। हाँ, और जब तक आप आते शायद तो यहाँ पे दुकान भी डाल जाएगी। देखो सामने जगह तैयार की हुई है, हाँ जेसीबी लगाई हुई है इधर, और इधर ही देखो ऊपर छोटी सी मस्जिद आपको दिखाई देगी, वो सामने मस्जिद है। और इधर मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, इधर भी घर हैं लोगों के, यहाँ पर भी वहाँ से आए हैं उस साइड से, और ये इस साइड से, इस साइड से, और इधर ये इस नाले से, और अभी इधर से आगे जाना है। नीचे जो घर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी लोग रहते हैं, और ऊपर ये पहाड़, और वो सामने पार उधर भी घर हैं लोगों के, ऊपर भी घर हैं लोगों के इस साइड पहाड़ पर, और ये रास्ता जाता है इधर से सामने। और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है हमारे मोबाइल का, टावर पूरा ही उड़ गया हुआ है, बिल्कुल नेटवर्क किसी सिम का भी नहीं है हमारे पास, तो जो भी है किसी में नहीं है। बड़ा पहाड़, और सारे पहाड़ को आग लगी हुई थी, ये इस साइड पूरा, इधर ये पूरा जला हुआ है, ये वाला नहीं, इस साइड वाला, ये ऊपर वाला, इस साइड वाला। फाइनली अब शायद हम अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं, पास में ही है, थोड़ा ही आगे है, और ये ख़त्म होने पर नहीं आ रहा है रास्ता। और ये मुझे बोल रहे हैं मैंने थोड़ी लंबा किया भाई, जितना है तो उतना ही होगा ना। पर है स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल ये ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए, तो भाई यहाँ पर नहीं है कोई स्विमिंग पूल, और यहाँ पर ये दरिया है, तो अभी इधर ही नहा के तो इधर से वापस जाएंगे। हाँ मेला फिल्म वाली रूपा भी इधर ही नहाई थी जहाँ हम नहाने लगे हैं, ये सामने नीचे देखो हम नहाने वाले हैं, यहाँ कुछ भाई ये नहा रहे हैं और इधर नहाएंगे हम, ये स्विमिंग पूल है, और फिर नहा के वापस चले जाएंगे। स्विमिंग पूल ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए, ये देखो, और ये रहा स्विमिंग पूल पीछे। यहीं से वापस जाएंगे, मंदिर जो है वो इधर से आगे रह गया काफ़ी दूर, और हम इधर ही स्विमिंग पूल में नहाए, ये वाला स्विमिंग पूल है सामने देख लो, तो हम इधर से ही वापस चले जाएंगे। यहाँ पर नहीं है स्विमिंग पूल कोई भी, वो पीछे है छोटा सा एक जहाँ से स्टार्टिंग होती है रास्ते की, तो अभी हम यहाँ से ही वापस जाएंगे और यहाँ पे ही ब्लॉग को एंड करूँगा। और ब्लॉग देख के अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर लाइक कमेंट करके बताना कैसा है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ सिर्फ आप दर्शन करने आ सकते हो, अदरवाइज और यहाँ पर कोई इंजॉय करने वाली चीज़ नहीं है। और नीचे ये जो दरिया देख रहे हो आप, जहाँ पर हम नहाए यहाँ पर भी पानी इतना साफ़ नहीं था, मतलब ऐसे ही है, सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, और उसके लिए आप आ सकते हो दर्शन करने। बाकी अगर आपने नहाना वगैरह इंजॉय करना है तो आप जजर कोटली जा सकते हो, इससे वो 100 गुना अच्छा है। फाइनली यार गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन बड़ा बुरा हाल है यार, आगे नहाने के लिए जाओगे तो मुश्किल है, बट इस तरह मंदिर जा सकते हो आप। बाकी